हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ में किस तरह से बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। आइए चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही ये नया इंटरफेस हो गया है। यहाँ पे आप ओटीपी मांगता है, पहले नहीं मांगता था। तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे आप डालेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा ये। तो आइए चलते हैं, ओटीपी डालते हैं हम। सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये नॉमिनी के लिए कहता है, इसे हम बाद में फिल करेंगे, अभी लेटर करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब एक्सेप्ट करते ही हमारे पास बैंक अकाउंट करने का के लिए एक ऑप्शन आता है, उसको मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ये किया, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको। तो आप सबसे पहले जाएंगे मैनेज में। मैनेज में केवाईसी का ऑप्शन आता है, केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए करंट एक्टिव केवाईसी में ये ऊपर का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। दूसरा हमें बैंक अकाउंट पे जाना है, वहां क्लिक करना है और ये ऐड हो कर दिया मैंने। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा, सेव। सेव करते ही ये फिर ओटीपी मांगेगा कि हाँ ये बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, इसके लिए कंफर्मेशन दीजिए। तो हम 6 अंकों का ओटीपी फिर हमारे रजिस्टर मोबाइल पे जाएगा और फिर हम इसको ओटीपी दर्ज करेंगे इसमें। चलिए ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद हमें सबमिट करना है। अब सबमिट कर दिया। सबमिट करते नीचे आ गया केवाईसी पेंडिंग। अब ये क्या होता है कि कभी बार तो हमारे बैंक से हो जाता है, कुछ कुछ बैंकों में जैसे एसबीआई में है मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से कैनरा में भी है, तो ये याद नहीं होता तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर से बोल के करवाना पड़ता है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अकाउंटिंग सॉल्यूशन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।